हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक है, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर कैसा फील करेंगे, सोचेंगे क्या आपके बारे में, और उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, और उनका नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एक्शन हो सकता है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपके पार्टनर किस तरह से फील करने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, यही आज हम सारी बातों के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है गाइस, और साथ ही रीडिंग के एंड में आपके लिए गाइडेंस एंड आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस भी मैं पिक करूंगी। ओके, तो और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपको बता दूं ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रखिए, बाकी को आप इग्नोर कीजिए। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ यहाँ से हेल्प ही मिलेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसी एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की नेक्स्ट 48 आवर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स फाइंड क्या सोचेंगे, कैसा फील करेंगे आपके लिए, आपको मिस करेंगे या नहीं, जो भी आएगा मैं आपको सब बताऊंगी। चलिए, हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं, देख लेते हैं इन्हें। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वैंड्स एंड वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ये साइन आए हैं हमारे पास। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, वेट अ सेकेंड, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस, ओके, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है हमारे पास हर्मिट का कार्ड। तो यहाँ पर देखिए गाइज, एलिमेंट सारे ही हैं हमारे पास। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। देन हमारे पास है फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। हमारे पास एयर और अर्थ भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पर वाटर और फायर साइन देख रही हूँ। ठीक है, और वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी साइंस के लिए मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स में सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी आपको, आपके पार्टनर बहुत अकेला फील करने वाले हैं, हर्मिट मोड में रहेंगे। इट मींस काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी इनको, इनके खुद के ही वजह से। और मैं ऐसा भी देख रही हूँ, उनको काफ़ी रिग्रेट है, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये वाला कार्ड आया है, 9 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच में ब्रेकअप है, बात नहीं हो रही है, टेंशन में मैं आपको देख रही हूँ। ठीक है, और बिल्कुल मैं ऐसा देख रही हूँ, मतलब आपको नहीं, आपके पार्टनर को, और आपको भी होती है टेंशन, आपको भी होती है, आप भी रातों को जागते हैं, एक रास्ता खोज रहे हैं कि किस तरीके से मेरे पार्टनर मुझे मिल जाएं। और आपके पार्टनर इस टाइम सेम वही काम कर रहे हैं, पहले आपने किया, लेकिन मैं देख रही हूँ आप इस पार्टनरशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप काफ़ी अकेला फील करते हैं, आप काफ़ी रोए हैं, काफ़ी परेशान हुए हैं इस पार्टनर के लिए, और अब मैं आपको मूव ऑन करते हुए देख रही हूँ। क्योंकि अब आप कहते हैं इस तरह से कि जो होना होगा वो होगा, जो हुआ है वो हुआ है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस तरह की एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ। लेकिन अब मैं जो फैक्ट आपको बता रही हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर रातों को सो नहीं पा रहे हैं और एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपसे कांटेक्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमारे पास ये 8 ऑफ वैंड्स है, जो कि मुझे बताता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत खत्म है, और ये एक लैंप लेकर खोज रहे हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज़ देख रहे हैं, इनके माइंड में कुछ ना कुछ बातें आती हैं, जिससे कि ये सोचते हैं कि आपके साथ फिर से कम्युनिकेशन किस तरीके से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और इन
इनको पता नहीं लग पा रहा है कि किस तरीके से ये अपना स्टेप लेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट कराया आपको पास्ट में, ठीक है? आप, आपके साथ चीटिंग करी है, आपको धोखा दिया है, डेफिनेटली कोई और पर्सन हो सकता है, या फिर इसका खुद का फाइनेंस की वजह से हो सकता है, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी हो, आप दोनों के बीच में ट्रैवल है, और हो सकता है कि फाइनेंस और वर्क की वजह से इस पार्टनर ने आपसे, आपको इक्वल टाइम नहीं दिया, केयर नहीं दी, इंपॉर्टेंस नहीं दी, ठीक है? आपने इनको हमेशा अपना ये कप ऑफर करने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है? लेकिन अब नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं, क्योंकि आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, और डेफिनेटली डिवाइन पर ट्रस्ट है आपका, और इसी वजह से ना ये पार्टनर बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि किस तरीके से अप्रोच किया जाए, अब मैं किस तरीके से बताऊं कि मेरे मन की फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स आया, तो ये पार्टनर काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है, और अपने अंदर इनफ स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं कि ये सिचुएशन को संभाल पाएँ और बैलेंस में खुद को ला पाएँ, इस कनेक्शन को लेकर आ पाएँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है, बहुत ज़्यादा आ चुका है गाइस। मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया है, बहुत लंबा टाइम हो गया, आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। पर अगर आप नंबर 8 बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिए, अगर आप 88, 888 या सिंगल 8 नंबर भी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। 888 888 मैं यहाँ देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आपके मूव ऑन करने से इस पार्टनर को अब ऐसा लगता है कि इसे आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है? तो बहुत स्ट्रेंथ बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से अप्रोच करें और किस तरीके से आपके पास आएं, आपके साथ मैसेज पर बात करना स्टार्ट करें, और भी बहुत कुछ है इस पार्टनर के माइंड में, पर कुछ चीज़ें हैं जो कि इसको कन्फ्यूज़ कर रही है। हो सकता है इसका खुद का वर्क, हो सकता है इसकी इसकी फैमिली, ठीक है? इस तरह की सिचुएशंस हैं इस पार्टनर के अराउंड अभी भी। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं क्या आता है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पार्टनर ज़्यादातर इस बारे में सोचेंगे कि इन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, और दूसरी बात कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि अभी ये पार्टनर खुद भी काफ़ी कंफ्यूज हैं, और डेफिनेटली चाहते तो हैं कांटेक्ट करना आपसे। अगर ये पार्टनर किसी के साथ डील कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता अब ये पार्टनर उनके साथ डील कर रहे हैं। मुझे लगता है जो भी इनका एक्स रहा होगा, उनके साथ इनका कनेक्शन खत्म हो चुका है, ऐसी भी वाइब गेट कर रही हूं मैं यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं यहां से सेक्सुअल फ्रीडम। ओके, इस पार्टनर को अट्रैक्शन है आपसे अभी भी बहुत ज्यादा, और इसकी डिज़ायर है कि ये आपके साथ मतलब टाइम स्पेंड करे, आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, क्योंकि ये आपको काफ़ी अपना मानते हैं, चाहे इन्होंने कभी कही ना हो ये बात, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्शन फील होती है आपसे, आपके साथ रोमांस करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत है यहाँ पर। और इस पार्टनर को इतना फ्री होना है कि ये आपको अपनी डिज़ायर खुलकर बता सके, तो चाहते यही हैं ये पार्टनर। लेट्स सी मोर फॉरगिवनेस। तो ये पार्टनर माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे कि इन्होंने जो भी पास्ट में करा आपके साथ, अच्छा बुरा जो भी, धोखा दिया या आपके साथ आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, जो भी आप दोनों के बीच में बात हुई है, तो अगर इस पार्टनर ने आपको हर्ट किया, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो, ये माफ़ी मांगेंगे आपसे। डिवाइन फेमिनिन, डेफिनेटली ये पार्टनर आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन मानते हैं। देखिए बॉटम तो डेक से कौन सा कार्ड आया, डेटिंग। इस पार्टनर के मन में आपको डेट करे, आपके साथ रोमांस करे, ठीक है? क्योंकि ये आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, डिवाइन फेमिनिन। आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट। आप जैसा पर्सन नहीं मिला इसको आज तक अपनी लाइफ में, इसी वजह से ये आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, और आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन मानते हैं।
ठीक है, इस पार्टनर को आपके साथ डेट पर जाना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको खुश करने की कोशिश करनी है, और डेफिनेटली इनके मन में काफ़ी डिज़ायर्स हैं आपको लेकर। ठीक है, आपके साथ अगर इनका फिज़िकल कनेक्शन भी है तो वो एक बहुत ही यूनिक कनेक्शन है, एक प्योर कनेक्शन है। वो एहसास, वो बातें भूल नहीं पाते अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन है तो, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली ये बनाना चाहते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली अगर इन्होंने कुछ भी पास्ट में गलत करा है आपके साथ तो ये चाहते हैं कि आप सब कुछ भूल जाएं, इनको माफ़ कर दें और फिर से एक डेट पर जाएं इनके साथ और इनके साथ टाइम स्पेंड करें, और डेफिनेटली ये अपनी बातें खुलकर भी आपको बताएंगे। ऐसी इस पार्टनर की डिज़ायर है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में ही पार्टनर ऐसा ही सोचने वाले हैं। बिल्कुल, इस पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप जैसा पर्सन नहीं है इसकी लाइफ में, और ये पार्टनर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपके साथ कांटेक्ट किया जाए, तो कांटेक्ट करने पर फोकस रहेगा इस पार्टनर का। चलिए देखते हैं करेंगे कांटेक्ट या नहीं करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से पता लगाते हैं साइकिक टैरोट से कि ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सॉरी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बेसिकली एक्शन देखेंगे हम, लेंगे या नहीं लेंगे, सोचेंगे। अब इनके दिमाग में जो भी इक्वेशंस बन रही है वो सब ठीक है, लेकिन क्या इन सब चीजों के लिए वो एक्शन लेंगे, ये देखते हैं गाइज यहाँ से। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंज नंबर 5, तो 5 एक चेंज का नंबर होता है। ओके, और कार्ड्स निकालते हैं गाइस, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, वाओ, लव बिगेन्स नंबर 1। ओके, एक कार्ड और गाइस, देन फिर मैं आपको बताती हूँ। चूज वाइजली नंबर 7। ओके, ये कार्ड 2 टाइम्स आ गया हमारे पास। वाओ, वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन, वाओ। ओके, तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक्शन होगा, जो ये सोचेंगे वो ये करेंगे भी नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, अब ये चीजें किन के साथ होगी, जो सच में अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो सच में गॉड पर ट्रस्ट करते हैं, खुद पर ट्रस्ट करते हैं, इस कनेक्शन पर ट्रस्ट करते हैं। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में फिर से ये प्यार आएगा, और ये होता है एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग होगी। अनकंडीशनल लव मानती हूँ मैं इस कार्ड को, डेफिनेटली। ये होता है 4 ऑफ वैंड्स, तो डेफिनेटली ये पार्टनर आपके पास आएंगे, ये पार्टनर आपसे बातें करेंगे, आपसे आपको डेट पर ले जाने के लिए भी कहेंगे, 4 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो हो सकता है अपनी फैमिली से मिलाएं आपको, या फिर आपको प्रपोज कर दें। ठीक है, आपके साथ हमेशा के लिए आपको कमिट कर दें। ठीक है, लेकिन ये बहुत सोच समझ कर ये एक्शन लेंगे, सोच समझ कर लेंगे तो गाइज फिर अच्छा ही एक डिसीजन लेंगे ये, और डेफिनेटली डिसीजन क्या होने वाला है मैं देख रही हूँ यहाँ पर। स्पिरिचुअल यूनियन, लव बिगेन्स, एक बार फिर से इस कनेक्शन में आएंगे आप इस पार्टनर के साथ, और इस बार इनके इंटेंशन अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत चेंज आया है, आपके एब्सेंस में बहुत चेंज आया है, ऐसा मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ से कुछ गाइडेंस मैं देख लूँ आपके लिए। टू वैल्यू, ओके, अपने वर्क पर फोकस लगाओ, अपने फाइनेंस पर, अपने बिजनेस पर, अपने जॉब पर। गॉड आपको कह रहे हैं ये करते रहो, इस ये पार्टनर खुद ही आ जाएंगे आपके पास। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंस पर फोकस करने की जरूरत है। कनेक्शन में जो हो रहा है उसको छोड़ दो, गॉड पर, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, रेस्ट करो, सरेंडर कर दो, मैनिफेस्टेशन करो,
इस पार्टनर को चेज मत करना, इस पार्टनर को कोई कॉल या मैसेज मत करना, ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर खुद ही आपको कांटेक्ट करेंगे। आप सरेंडर कर दो। एंड वी हैव, वाओ, वी हैव केयरिंग कनेक्शन, डेफिनेटली। अगर ये कनेक्शन ट्रू है और डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को सोल लेवल पर फील करते हो, तो ये केयरिंग कनेक्शन है। आज समझ नहीं आ रही आपके पार्टनर को, कल समझ में आएगी, डेफिनेटली आएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को बैलेंस में करना है, अपने काम करने हैं। गॉड इनको खुद ही भेजेंगे आपके पास, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर क्लियर देख रही हूँ। अपने वर्क पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो, जो भी आपको करना पसंद है वो करो, ये पार्टनर खुद ही आ जाएंगे। लेट्स सी मोर, यहाँ से क्या मैसेज देंगे आपके पार्टनर आपको। ओके, वी हैव, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं, ऑब्वियसली केयरिंग कनेक्शन है तो बेस्ट फ्रेंड। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, तो आप इनकी सक्सेस के लिए हमेशा विश करते हैं। केयरिंग कनेक्शन, यू ट्रस्ट मी, आप इन पर ट्रस्ट करते हैं और आप इस कनेक्शन पर भी ट्रस्ट करते हैं कि यस, ठीक हो जाएगा सब कुछ। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, तो इनको पैम्पर करना बंद कर दो। इनको ऑलरेडी पता है कि आप इनको बहुत पैम्पर करते हो, बंद कर दो इन्हें पैम्पर करना। ओके, दो मैसेज आ गए, देख लेते हैं। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, आपने इसको एक पॉजिटिव पर्सन बनाया। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस एंड प्रिंस, डेफिनेटली आपने ना बहुत पैम्पर किया हुआ इस पर्सन को, ठीक है, पैम्पर करना बंद कर दो इन्हें और बिल्कुल अपने वर्क पर फोकस करो, और डेफिनेटली ये पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, आपके पास आएंगे, ठीक है। तो गाइज, ये है आपकी रीडिंग, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।